देखते देखते हिंदी सिनेमा के 100 साल गुजर गए। फिल्मकार, टेक्नीशियंस और कलाकार के जोश से फिल्म बनती है और उस फिल्म को अपने अंतिम चरण पर दर्शक लेकर जाते हैं। यहाँ कुछ कलाकार वो भी हैं जिन्हें निभाए हुए किरदार के लिए याद किया जाता है। रामानंद सागर की रामायण धारावाहिक में भगवान श्री राम के किरदार में अरुण गोविल प्रसिद्ध हुए थे। उनके द्वारा निभाया गया किरदार इतना हिट हुआ कि लोग उन्हें श्री राम समझने लगे थे। पर 90 के दशक के पहले एक इंसान ऐसा था जिसने भगवान श्री राम के किरदार को इस अंदाज में निभाया था कि दर्शक उनके चरण छू लेते थे। इतना ही नहीं, श्री राम के किरदार के लिए वो इस हद तक मशहूर थे कि खुद महात्मा गांधी ने भी उनकी राम राज्य फिल्म देखी थी। 40 और 50 के दशक पर राज करने वाले इक्का दुक्का कलाकारों के लिस्ट में जिनका नाम आता है, उन प्रेम अदीप की कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। कोई अपराध? वो तो वही जाने, मैं निरपराध हूँ, मुझे आश्रय दीजिए, मैं निराधार हो गई हूँ, मुझे आश्रय दीजिए महाराज। प्रतिहारी, तुम इन्हें दुर्मुख के पास ले जाओ और उससे कहो कि इनके ठहरने का प्रबंध करे और कल सवेरे इनके पति को समझा बुझाकर इन्हें सौंप दे। तुम्हें करना ही होगा लक्ष्मण। नहीं, कभी नहीं। लक्ष्मण, ये राजा की आज्ञा है, तुम्हें राजा की आज्ञा का पालन करना ही होगा, तुम्हें राजा की आज्ञा का पालन करना ही होगा। जाओ। कश्मीर प्रांत से आए कुछ कलाकार काफी प्रसिद्ध रहे, जिनमें ओमकार नाथ धर उर्फ जीवन, चंद्रमोहन और सप्रू शामिल है। पर प्रेम अदीप भी कश्मीरी पंडित थे, जिनके दादाजी को लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने अदीप खिताब दिया था। पढ़े लिखे और समृद्ध परिवार में शिव प्रसाद धर उर्फ प्रेम अदीप का जन्म 10 अगस्त 1916 में हुआ। उस दौरान प्रेम अदीप के पिताजी राम प्रसाद धर सुल्तानपुर में नामी वकील थे, वहीं प्रेम अदीप का जन्म हुआ था। प्रेम अदीप के दादाजी देवी प्रसाद धर काफी पढ़े लिखे इंसान थे, इस वजह से अवध यानी लखनऊ के नवाब ने उन्हें अदीप खिताब दिया था, जो आगे चलकर उनका सरनेम बन गया। कुछ लोगों का मानना है कि प्रेम अदीप का असली नाम प्रेम नारायण धर था, पर असल में ये उनकी पहली फिल्म के किरदार का नाम था। प्रेम अदीप बचपन से ही फिल्मों में रुचि रखते थे। उनकी पढ़ाई लिखाई जोधपुर में हुई थी, पर जब वो 13 साल के थे तब उन्होंने अनारबाला नामक साइलेंट फिल्म देखी। तभी से उनके मन में ख्याल आया कि अब वो एक्टर बनेंगे। इस वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर नहीं पाए और प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद कॉलेज आधे में छोड़ दिया। कॉलेज से बाहर निकलने के बाद वो सीधे कोलकाता गए, पर वहां उनकी दाल गली नहीं। फिर वो लाहौर आ गए। यहाँ कुछ समय काम करने के बाद वो सीधे मुंबई पहुंच गए और राजपुताना फिल्म्स कंपनी में काम करने लगे। प्रोडक्शन हाउस में काम करते वक्त उनकी पहचान मोहन सिन्हा से हुई, जिन्होंने उन्हें अपने फिल्म में एक छोटा सा किरदार दे दिया। 1936 के साल में रिलीज हुई उस फिल्म का नाम था रोमांटिक इंडिया। आपको यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इसी फिल्म के साथ अभिनेता जीवन ने अपने करियर की शुरुआत की थी। आगे चलकर जीवन एक महान कलाकार बन गए। असल में जीवन का नाम ओमकार नाथ धर था और प्रेम अदीप का नाम भी शिव प्रसाद धर था। शायद इस वजह से मोहन सिन्हा जी ने शिव प्रसाद का नाम प्रेम रख दिया। साल 1936 से शुरू हुआ प्रेम अदीप का सफर उनके आखिरी समय तक रुका नहीं और एक के बाद एक जबरदस्त फिल्में उन्होंने दी। रोमांटिक इंडिया के सफलता के बाद मोहन सिन्हा ने अगली फिल्म बनाई, जिसमें प्रेम अदीप को उन्होंने हीरो बना दिया। 1938 में रिलीज हुई उस फिल्म का नाम था इंडस्ट्रियल इंडिया, जिसे निराला हिंदुस्तान नाम से भी पहचान मिली थी। इसमें प्रेम अदीप की हीरोइन शोभना समर्थ थी और के एन सिंह ने भी कमाल का किरदार निभाया था।
लगातार दूसरी हिट फिल्म देने के बाद प्रेम अदिब ने आसमान छू लिया। 40 का दशक लगते लगते उन्होंने 4 सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें घूंघट वाली, भोला भाले, साधना, सौभाग्य फिल्म शामिल है। भोला भाले फिल्म में प्रेम अदिब के साथ गोविंदा के पिताजी अरुण ने भी काम किया था। जबरदस्त कामयाबी और शोहरत के बाद भी प्रेम अदिब को गोल्डन एरा देखना बाकी था। सही मायने में वो दर्शकों के बीच फेमस तब हुए जब 1942 की भरत मिलाप फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया श्रीराम का किरदार इस हद तक मशहूर हुआ कि जब भी कोई श्रीराम पर फिल्म बनाता, उसमें प्रेम अदिब श्रीराम के किरदार में होते थे। इस वजह से प्रकाश फिल्म्स कंपनी ने उनका मासिक वेतन 700 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया। भरत मिलाप के सफलता के बाद इस फिल्म के डायरेक्टर विजय भट्ट ने अगली फिल्म बनाई, जिसमें प्रेम अदिब के साथ शोभना समर्थ को सीता के किरदार में लिया था। दरअसल विजय भट्ट को लव कुश पर फिल्म बनानी थी, पर उस दौरान गांधी जी अपने भाषणों में राम राज्य इस लव्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इस वजह से जब फिल्म रिलीज हुई तब महात्मा गांधी ने भी फिल्म को देखा और विजय भट्ट से कहा कि आज़ाद भारत भी राम राज्य जैसा होगा। कहा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा देखी हुई ये एकमात्र फिल्म थी। प्रेम अदिब और शोभना समर्थ को दर्शक सच में राम सीता की जोड़ी समझने लगे। इन दोनों के पोस्टर्स भी बिकने लगे थे। यही नहीं, जब भी प्रेम अदिब और शोभना समर्थ बाहर निकलते तब उनका आशीर्वाद लेने के लिए भीड़ जमा हो जाती थी। राम राज्य के बाद विजय भट्ट ने 1945 के साल में विक्रमादित्य फिल्म बनाई, जिसमें प्रेम अदिब को कालिदास की भूमिका मिली थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। लगातार मिल रही सफलता को देखते हुए प्रेम अदिब प्रोड्यूसर भी बन गए और 3 फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें देहाती, कसम और राम विवाह फिल्म शामिल है। पर खुद के द्वारा बनाई हुई फिल्मों में उन्होंने कभी अभिनय नहीं किया और यही उनका सही फैसला था। पर प्रेम अदिब के साथ ये भी बात थी कि वो सिर्फ माइथोलॉजिकल फिल्मों के सफल एक्टर थे, पर 1948 में अनोखी अदा फिल्म रिलीज हुई। ये कुछ एकमात्र फिल्म थी जो दंत कथा पर आधारित नहीं थी। इंसान का नसीब उसे कौन से रास्ते पर लेकर आएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता, और प्रेम अदिब के साथ भी यही हुआ। 50 के दशक में एक दुर्घटना में उनकी किडनी चोटिल हो गई। इस वजह से उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी होने लगी। 25 दिसंबर 1959 के रात को जब वो अपनी बड़ी बहन के बर्थडे पार्टी करने के बाद घर लौट रहे थे, तब अचानक उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और देखते देखते ब्रेन हैमरेज के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उस दौरान वो बस 42 साल के थे। प्रेम अदिब का विवाह प्रतिमा उर्फ कृष्णा कुमारी के साथ 1943 के साल में हुआ था, जिनसे उन्हें दामिनी नाम की बेटी भी हुई। प्रेम अदिब ऐसे कलाकार थे जो अगर जिंदा रहते तो और भी खूबसूरत फिल्मों में काम करते हुए दिखते। उनकी आखिरी फिल्म अंगुलीमार थी, जो उनके मृत्यु के बाद 1960 में रिलीज की गई। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।